जाने माने गीतकार गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विज्ञान भवन में आयोजित 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान गुलजार को ये अवार्ड दिया। आपको बता दें कि इस अवार्ड में गुलजार को एक स्वर्ण कमल वाला पदक, 10 लाख रुपए नकद और एक शॉल से सम्मानित किया गया। वाकई किसी खुशकिस्मत को मिलते हैं और मैं बड़ा नाज है अपनी किस्मत पर कि ऐसे गुरु मिले, ऐसे उस्ताद मिले जिनके साथ सफर शुरू किया। लेकिन ये सफर ऐसा है कि चलते चलते बहुत देर तक रहनुमाओं के कदम नजर नहीं आते, वो रहते नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता मिट जाते हैं। और चलते चलते जब लगा कि हाँ अब आगे रहनुमाओं के कदम नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे हम उम्र, मेरे हम असर, मेरे कंटेम्प्रेरीज जितने थे उन लोगों ने हाथ पकड़ लिया, उनके साथ चला। ज़रूरी है कि मैं उन्हें याद करूं और उनमें आर डी बर्मन पंचम, लक्ष्मीकांत जी, कल्याण जी भाई, मदन मोहन जी, ऐसे ऐसे लोग, राजा मास्टर इलिया राजा, खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ काम किया। गौर हो कि भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान देने के लिए सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले गुलजार 45वें व्यक्ति हैं। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।